मित्रों, अपने छोटे भाई के धन संपत्ति को हड़पने के बाद क्या होता है? अगर आपने ऐसा किया है तो आप जीवन भर पछताओगे। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे इस YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति को हड़पता है तो उसके साथ यह हाल होता है। मित्रों, आपसे निवेदन है इस कहानी को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मित्रों, क्या किसी ने खूब कहा है कि अपने भाई की संपत्ति को बिल्कुल नहीं हड़पना चाहिए? अगर आपका सगा भाई भी आपके संपत्ति को हड़प लेता है या फिर पैसों को लेकर वाद विवाद करता है तो उसके साथ यमराज बहुत बुरा हाल करते हैं। और मित्रों, आपके भाई जायदाद को लेकर आपकी बेईमानी करता है तो यमराज उसको अगले जन्म में कुत्ता बना देते हैं। फिर वह कुत्ता बनकर भोगता है जो जो उसने अपने भाई के साथ संपत्ति को लेकर वाद विवाद किया हो तो उसको यह एवज चुकाना पड़ता है। अब चाहे वो सगा भाई के रूप में हो या फिर सौता भाई के रूप में हो या पुत्र के रूप में हो, चाहे इंसान भाई के रूप में हो या फिर वो पत्नी के रूप में हो। और मित्रों, जैसा कि इस कहानी में हुआ है वैसा ही आपको किसी न किसी सगे भाई के साथ होता रहता है, जिससे कि एक भाई दूसरे भाई के साथ बहुत बुरा बर्तावा करता है, उस प्रकार उस भाई को भी एवज कैसे देना होता है। मित्रों, इस बात को अवश्य याद रखना कि अगर आपका भाई संपत्ति को लेकर वाद विवाद करता है या फिर आपकी संपत्ति को हड़प लेता है उसके साथ बहुत बुरा हाल होता है। मित्रों, इस बात को गांठ बांध लेना, भाई तो भाई होता है, कभी अपने भाई को साथ कुछ गलत कार्य मत करना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। मित्रों, इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको भाई भाई के बारे में पता लगेगा कि एक भाई की दर्द क्या होता है। मित्रों, एक नगर में एक महान व्यक्ति रहता था। उस महान व्यक्ति का घर मकान में उस व्यक्ति की पत्नी और एक उसका लड़का रहता था। और कुछ समय के बाद उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। जब उस व्यक्ति के लड़के की उम्र तकरीबन 15 वर्ष की थी, परंतु उस व्यक्ति जब अपने पत्नी की मृत्यु हुई तब उसके मन में एक सवाल आया कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। परंतु कुछ समय के बाद उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा ही किया, उसने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। लेकिन कुछ वर्ष के बाद उस पत्नी के कोख में एक बेटा जन्म लिया था। तब वह महान व्यक्ति बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने सोचा, अब हमारे दो बेटे हो गए हैं, अब जो भी काम होगा हमारे दोनों बेटे आपस में मिलजुल कर लेंगे। उस महान व्यक्ति का कहना था कि मित्रों, जो महान व्यक्ति था उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर उसने किसी दूसरे घर की बेटी से विवाह कर लिया था, कुछ देर बाद उस घर की बेटी से विवाह कर लिया, फिर कुछ दिन तक उसके घर में ही रही और उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। परंतु जो महान व्यक्ति था उसका बड़ा बेटा अपनी पहले वाली माँ का था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर महान व्यक्ति ने सोचा, क्यों मुझे अपने बड़े बेटी की शादी कर देनी चाहिए। मित्रों, कुछ दिन बीतने के बाद उस महान व्यक्ति ने अपने बड़े बेटी की शादी भी कर दी थी। उसके बाद वह महान व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। मित्रों, जो महान व्यक्ति भी था वो भी मर गया और उसकी हालात भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि अब दोनों भाई को महान व्यक्ति धन संपत्ति छोड़कर चला गया था। मित्रों, जो महान व्यक्ति का बेटा था वह पहली पत्नी का था, परंतु पहले वाली माँ भी उसकी मर चुकी थी। लेकिन वो दोनों भाई जो थे बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, परंतु जहाँ पर भी जाते थे वो दोनों साथ साथ जाते थे। मित्रों, कुछ सालों के बाद छोटा भाई था वो अचानक बीमार पड़ने लगा था। फिर बड़े भाई ने सोचा, मैं कुछ भगत लोगों को बुलाकर लेकर आता हूँ जिससे कि वो मेरे छोटे भाई को देखभाल करके ठीक कर देंगे। जब बड़े भाई ने आसपास के भक्तों को बुलाया
और उस छोटे भाई को बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो छोटा भाई उसका ठीक नहीं हुआ। आसपास के भगत भी उस छोटे भाई को देख करके भयभीत हो गए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। मित्रों, जो छोटा भाई था उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि बड़े भाई ने अपना तन मन लगाकर उस छोटे भाई को ठीक कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया। एक दिन उस बड़े भाई ने दिमाग लगाया कि मैं अपनी पत्नी से जाकर के पूछूं कि यह मेरा छोटा भाई की मृत्यु हो जाए तो हमारा तुम्हारा काम हो जाएगा और छोटे भाई को जायदाद भी नहीं देनी होगी और हम तुमको संपत्ति सब कुछ मिल जाएगी। यह बात बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से की। फिर बड़े बेटे की पत्नी ने कहा, ऐसा कुछ करो जिससे कि यह आपका छोटा भाई मर भी जाए और सब कुछ काम भी हो जाए, किसी को पता भी न लगे। फिर बड़े भाई ने अपने पत्नी से कहा, ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि इसकी मृत्यु हो जाए और हमको सारा धन प्राप्त हो जाए। फिर पत्नी ने कहा, आप ऐसा करो कि भगत को बुलाकर लाओ, उनसे बात करो और उनसे कहो कि इसे कोई ऐसी दवा दो जिससे कि इसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाए। फिर भगत जी ने कहा, मैं तुमको रास्ता बता देता हूँ, तुम उस दुकान पर जाना और उसको बोलना मुझे भगत जी के द्वारा एक सेल पास की गोली चाहिए। फिर मित्रों, वो दुकान पर गया और वहाँ सेल पास की गोली भगत जी के नाम के द्वारा लेकर आ गया। फिर भगत जी को दे दी। भगत जी से कहा, तुम अपने फीस मुझे बताओ, मैं तुमको तुम्हारे फीस दे दूंगा। फिर बड़ा भाई भगत जी से बोला, मेरे छोटे भाई को यह गोली किसी बहाने खिला दो जिससे कि मेरा भाई की मृत्यु हो जाए, किसी को पता ना लगे कि इसकी कैसे मृत्यु हुई है, या फिर यह बीमार से मरा था या किसी ने मारा था, सभी को यह पता रहे कि इसकी बीमारी से मृत्यु हुई है। फिर भगत जी ने उसके छोटे भाई से कहा, बेटा यह तुम बीमार हो गए हो, यह लो दवा, तुम ठीक हो जाओगे। फिर भगत जी ने उसके छोटे भाई को दवा के बहाने सेल पास की गोली दे दी और उसकी हत्या कर दी। फिर जो उसके बड़े भाई और उसकी भाभी जो थी हंसने लगी और खुश होने लगी, कहने लगी, अब बल्ले बल्ले हो गए, अब हम तुम जिंदगी के ऐश करेंगे। क्योंकि बड़े भाई पत्नी कहने लगे, तुम्हारा छोटे भाई की मृत्यु हो गई है, अब तो रास्ते खाली खाली हो गई है, अब जो चाहो वो करो, सारी धन जमीन पैसा सारा अपना हो गया है। मित्रों, कुछ सालों के बाद महान व्यक्ति के बड़े बेटे का पत्नी के कोख में एक पुत्र ने जन्म लिया। फिर बड़े भाई और उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुए और जब वो लड़का पैदा हुआ तब काम पर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरा पत्नी के एक पुत्र प्राप्त हुआ है। अनजान समझकर अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार किया करते थे। जब वह कुछ साल के बाद बड़ा हुआ तब बड़े भाई ने अपने बेटे की शादी भी कर दी थी। फिर कुछ समय के पश्चात वह लड़का बीमार पड़ गया। फिर बड़े भाई ने उसकी बीमारी में लाखों रुपए धन संपत्ति बेचकर लगाए जिससे कि यह लड़का ठीक हो सके। लेकिन वह लड़का अपने पिता को देख करके मुस्कराया और कहने लगा, तुम मेरा इलाज मत करवाओ, तुमने लाखों रुपए लगा दिए। फिर उसके पिता इस बात को समझ नहीं पाया। फिर भाई बेटा ने खुलकर बता दिया और अपने पिताजी से कहने लगा, मेरे बड़े भाई, अब आपका और मेरा टोटल हिसाब हो गया है, आपने मेरे इलाज में लाखों रुपए लगा दिए हैं, अब अपना अपना सारा हिसाब हो गया है। बस मेरे बड़े भाई, तुम मुझे लकड़ी और कफन तैयार कर लो और मेरा अब तुम द्वारा अंतिम संस्कार कर दो, मैं आपका छोटा भाई हूँ जो आपने मुझे भगत जी के द्वारा सेल पास से मरवाया था, जिस धन संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया, अब वो सारा धन आधा आधा हो गया है। यह बात सुन करके महान व्यक्ति का बड़ा बेटा बहुत ध्यान से देख करके रोने लगा और कहने लगा, भाई मुझे माफ़ कर दो और जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा, आपकी इच्छाओं के अनुसार मैं सब काम करूँगा। तब यह छोटे भाई ने इस बात को स्वीकार किया और उसे माफ़ कर दिया। इसलिए मित्रों, क्या किसी ने खूब कहा है, जैसी करनी
वैसी भरनी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों, हम मिलते हैं आप लोगों को अगले एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।